और बढ़ेंगे आगे संवाद घोटाले में फंसे संवाद के पूर्व सीईओ आईएएस राजेश सुकुमार टोप्पो को ईओडब्ल्यू का नोटिस जारी हुआ है। ईओडब्ल्यू ने 25 फरवरी को बयान के लिए बुलाया है। जानकारी के मुताबिक टोप्पो के खिलाफ 2019 में ईओडब्ल्यू में दो मामले दर्ज हुए थे, उन्हीं मामलों की जांच के तहत टोप्पो को बुलाया गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद करोड़ों के भुगतान और 250 करोड़ के बजट पर 400 करोड़ रुपए खर्च कर बाहरी कंपनियों को अनैतिक लाभ पहुंचाने का ये पूरा मामला है। ईओडब्ल्यू ने 25 फरवरी को बयान के लिए बुलाया है और 2019 में ईओडब्ल्यू ने दर्ज हुए थे ये मामले पूरे, जिस पर ये बयान के लिए बुलाया गया है। तो बता दें संवाद घोटाले में फंसे संवाद के पूर्व सीईओ आईएएस राजेश कुमार टोप्पो को ईओडब्ल्यू का नोटिस जारी हुआ है। ईओडब्ल्यू ने 25 फरवरी को बयान के लिए बुलाया है और हेमंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लाइव। हेमंत, ईओडब्ल्यू ने 25 फरवरी को बयान के लिए बुलाया है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में? देखिए, संवाद के पूर्व सीईओ और आईएएस श्री राजेश सुकुमार टोप्पो के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 2019 में मामला दर्ज किया था और ये लंबे समय से कार्रवाई की मांग उनके लिए हो रही थी। पिछली सरकार में उन्होंने जमकर बंदरबांट संवाद के जरिए किया था। जब आचार संहिता लगी थी तो 250 करोड़ का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट था उसमें वो उन्होंने करीब 450 करोड़ का टेंडर निकाल दिया था, यानी जो कीमत उनको यहाँ से मिली थी उससे अधिक खर्च उन्होंने किया था। इसके अलावा उन पर एक और आरोप था कि बाहर की कंपनियों को उन्होंने फायदा पहुंचाया है। जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, ईओडब्ल्यू में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और लगातार वो मुश्किलों में घिरे हुए हैं। अब 25 तारीख को दोनों मामलों में पूछताछ के लिए उन्हें ईओडब्ल्यू में उपस्थित होने को कहा है। कल ही शाम ईओडब्ल्यू के जो एसपी हैं उनके ओर से ये नोटिस जारी किया गया और नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि आपके खिलाफ जिन जिन धाराओं के तहत ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज किया गया है उसके आप अपना बयान देने के लिए उपस्थित हों। तो अब निश्चित तौर पर, और ये कहा भी जा रहा है कि जो संवाद घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है, जांच लगभग पूरी हो गई है और इसी सिलसिले में वहां पर बयान के लिए राजेश कुमार टोप्पो को बुलाया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण 25 फरवरी का दिन होगा, पूछताछ उनसे होगी, क्या कुछ वहां पर निकल कर पूछताछ में आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मामले में देखा जा रहा है, इस मामले में निश्चित तौर पर सुकुमार जो टोप्पो है पूर्व आईएएस उनके खिलाफ अब लगातार एक्शन जो सरकार है और ईओडब्ल्यू है वो लेती नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत जानकारी को साझा करने के लिए।